Hello students, welcome to this new tutorial about generations of computers. Today in this lesson we will learn generation of computers. First generation computer, second generation computer, third generation computers, fourth generation computers and fifth generation computers. So the first question is why we need the generation of computers. The computers we use right now has not been invented all at once. Decades has been passed to develop the computers we are using now. The process of new invention is ongoing process by the flow of time. आमे जो ओडिया रे कहियो चाहिबा ताहेले आमे जो कंप्यूटर वर्तमान व्यवहार करुछंती बा आमे जो मोबाइल फोन व्यवहार करुछंती ए जो मोबाइल फोन बा कंप्यूटर गोटी दिन रे बा गोटी वर्ष रे तयार हे नथिला. प्रथमे कोन करा हेतला ना बहुत बड बड कंप्यूटर तयार हेतला जो जो कंप्यूटर उडा की देखिया पे बहुत बड थिला जेमती एटी कंप्यूटर बहुत पुराना कंप्यूटर से गुडा देखिया पे गुटे हॉल पर गेथला गुटे हॉल रे गुटे कंप्यूटर होई परथला से गुडा को बहुत बड थिला बहुत स्लो थिला. तो धीरे धीरे कौन हला ना ये जो बड़ा कंप्यूटर आउ टिके छोट हो पार्ला कारण या भितर किसी नुआ नुआ इनभेनसन हला नुआ नुआ किसी समय क्रमे नुआ नुआ इक्विपमेंट नुआ नुआ हार्डवेयर उद्भावन हला तापर आउ थरे आउरी छोट हो गला कंप्यूटर. तो एमती धीरे 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 कौन हला ना आजिकाली आम जो कंप्यूटर व्यवहार करछंती बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर हला. ये जो जिनस गुडाक कौन होची ना ये जो इनभेनसन गुडाक जो जहाँ जहाँ किसी आम आविष्कार होची ये सब जिनस गुडाक समय क्रमे आहरी अत्याधुनिक आविष्कार ही जाउची जोटा कि आज आम जो कंप्यूटर व्यवहार करछंती आगो आसीपारे आठ आहरी बहुत आडभांसड कंप्यूटर आसीजिबो. तो ये जो जेनरेशन गुडाक कहीं आवश्यक पड़ा. द टर्म जेनरेशन वाज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर मेक अप द कंप्यूटर. आमको कहीं जो जेनरेशन गुडा दरकार पड़ा कारण प्रथम जितेबाला जो कंप्यूटर बाहर ये जो पुराना कंप्यूटर ये कहुच्छे फास्ट जेनरेशन कंप्यूटर. फास्ट जेनरेशन कंप्यूटर कौन होता ना भैक्यूम ट्यूब भाया यहपटिक गोटे हार्डवेयर लगुला. तापर आम आसा सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर आसा से कौन है ना भैक्यूम ट्यूब लगे ना से कौन है ना ट्रांजिस्टर लगेगा. तापर आम आसा थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर ये कौन है ना ट्रांजिस्टर न लगे लगे ये कौन इंटीग्रेटेड सर्किट लगेगा. तापर आसा फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर जो कौन है ना इंटीग्रेटेड सर्किट न लगे लगेगा माइक्रो प्रोसेसर. तापर वर्तमान आम जो फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर भी चली आगू आगु आहरी जो फ्यूचर कंप्यूटर गुडा जो आस फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर से कौन हो क्वांटम प्रोसेसर ये सब गुडाक व्यवहार हो. तो ये जो जिनस गुडाक आम देखे डिफरेन्स गुडाक वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कला ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर रिप्लेस कला इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट को रिप्लेस कला माइक्रो प्रोसेसर को क्वांटम कंप्यूटर रिप्लेस कर. तो ये जो हार्डवेयर रो चेंज हला ये हार्डवेयर को चलने तार सॉफ्टवेयर मध्य चेंज कला. तो ये जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो जो अलग अलग हला ताको नेके हमें कौन कले कंप्यूटर डिफरेंट जेनरेशन तैयारी कले. तो बेस्ड ऑन दिस चेंजेस कंप्यूटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जेनरेशन. हमर कौन करा हला ना जो चेंज हला हार्डवेयर चेंज हला सॉफ्टवेयर चेंज हला तार लुक चेंज हला देखिया पे द अपीयरेंस चेंज हला तार साइज चेंज हला बड़ कंप्यूटर छोट हो गला स्लो कंप्यूटर फास्ट हो गला यार मेमोरी साइज जहाँ थिला यार बढ़ी बढ़ी गला मेमोरी साइज यार कंप्यूटर रो स्पीड दिनो दिन बढ़ी बढ़ी चलला ये जो सेप छोट हो चलला ये सब जो परिवर्तन को लेके आमर हला कौन जेनरेशन. तो जो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन हला ना ईयर वाइज द कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव जेनरेशन. आम ईयर वाइज देखा तो कंप्यूटर को पांचटा जेनरेशन में भाग कर फास्ट जेनरेशन कंप्यूटर जोटा कि 1940 1940 मसीहा 1958 मसीहा भितर जतेक कंप्यूटर जहां हार्डवेयर और जहां सॉफ्टवेयर डेवलप है कंप्यूटर पर कैटेगराइज करागला फास्ट जेनरेशन कंप्यूटर बोली. तापर कौन कर हला ना 1959 रु 1963 भितर जतेक कंप्यूटर तैयारी है जहां हार्डवेयर तैयारी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयारी है से जो कैटेगरी ग्रुप करा कौन कराला ना सेकंड जेनरेशन कंप्यूटर को आगला. तापर आसा थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर जोटा कि 1964 रु आरंभ हला 1970 भितर जतेक कंप्यूटर पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तैयारी करागला कहला थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर जोटा कि थर्ड जेनरेशन कंप्यूटर है. तापर आम आसा फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर जोटा कि 1970 रु प्रेजेंट आज पर्यटन जो कंप्यूटर गुडा चलू ये टाइप रहा कहते फोर्थ जेनरेशन कंप्यूटर. तापर आसा फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर जोटा कि
प्रेजेंट टू फ्यूचर जोटा कि आम बहुत बड़ बड़ सुपर कंप्यूटर रोबोटिक कंप्यूटर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यूज होगी जो कंप्यूटर गुड़ाक कम कर सब गुड़ाक हमारे फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर तो ये आम इयर वाइज आम कौन कले पांचटा जेनेसन यूज कले तो तुम जब विभिन्न प्रकार बही पढ़ तो इयर मे भी डिफरेन्स तो कौ बही किए कौ इयर को देता है आम टेक्स्ट बुक जेहतु इयर वाइज दे तो आम आम कंप्यूटर जेनेसन पांच प्रकार इयर वाइज आम बुक हिसाब से आम कले तो दिस इयर मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बुक एंड डिफरेंट वेबसाइट एटा चेंज हो पारे तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑथर तो आम देखिए फास्ट रे जे फास्ट जेनेसन कंप्यूटर आम जानी फास्ट जेनेसन कंप्यूटर कौन था 1940 1958 भितर जतक कंप्यूटर जो 20 वर्ष धरिकी जतक कंप्यूटर है कहु फास्ट जेनेसन कंप्यूटर जो फास्ट जेनेसन कंप्यूटर गुडाक कौन था ना देखा बहुत बड़ बड़ था ये बहुत बड़ मान गोटे कंप्यूटर को आम रखा गोटे हल रखा पड़ता कहीं कंप्यूटर गुडा बड़ था कारण ये कंप्यूटर गुडाक गोटे मेन जिन यूज होता जोटा कि ब्रेन अफ दि कंप्यूटर कहते सीपीयू जो कहते से सीपीयू गुडाक होता है पार्ट ये जो पिक्चर देखो जो गोटे गोटे पार्ट गुडा सब देखो आपको गोटे गोटे वैक्यूम ट्यूब तो जो वैक्यूम ट्यूब को लेकर सीपीयू तैयारी होता है जो वैक्यूम ट्यूब गुडाक आकार बहुत बड़ था जेहेतु ये वैक्यूम ट्यूब बहुत हजार हजार परिमाण वैक्यूम ट्यूब को लेकर तैयारी कराला गोटे कंप्यूटर से तार साइज बढ़ी जाता बहुत जेहेतु जो वैक्यूम ट्यूब मैंने कौन कर लाइट को यूज करते बहुत हिट मत प्रोड्यूस कर गरम प्रोड्यूस कर तो ये फास्ट जेनेसन कंप्यूटर कौन था ना फास्ट जेनेसन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी एज मेन कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड सीपीयू आम फास्ट जेनेसन कंप्यूटर जो मेन पार्ट था वैक्यूम ट्यूब आम वैक्यूम ट्यूब मान ये हार्डवेयर टाइम देखो ये वैक्यूम ट्यूब कहुचे तापर आसला सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली माने से समय कौन होता ना जेहेतु ये वैक्यूम ट्यूब था से समय कंप्यूटर बहुत नुआ था साइंटिस्ट माने एते जिनस डेभलप कर सेते कौन होता ना मशीन लैंग्वेज यूज करता मशीन लैंग्वेज अर्थ हो केवल वन आउ जीरो को लेकिन जहां कि सफ्टवेयर तैयारी हो पार्ला जहां कि प्रोग्रामिंग कराई पार्ला जहां कि इनस्ट्रक्शन दिखाला कंप्यूटर को जोटा कि जो मशीन लैंग्वेज ये सब कौन एटा तुम क्लास एट्रे जान तो बर्तमान केवल मन रख मशीन लैंग्वेज यूज होता फास्ट जेनेसन कंप्यूटर तापर आसला भेरी कॉस्टली एंड ह्यूज साइज आम कहते ह्यूज साइज मैंने गोटे कंप्यूटर को रखा आमको गोटे रूम गोटे हल दरकार पड़ता जार दाम मध्ये बहुत अधिका था जहाँफल कि जड़े पर्सनल व्यवहार करने गोटे कंप्यूटर असंभव था तापर थिला तार स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस माने कहीं ये से माउस नाला कीबोर्ड नाला आम कौन कर इनस्ट्रक्शन देखे किसी वायर को कनेक्शन करके इनस्ट्रक्शन देवा पड़ता तो सही कौन है ना इनपुट आउटपुट बहुत स्लो था तापर जेनेटेड लॉट ऑफ हीट मुझे आगे कही जेहतु ये वैक्यूम ट्यूब गुडा यूज होता है वैक्यूम ट्यूब कौन होता ना लाइट यूज करता ये बहुत गुडाए वैक्यूम ट्यूब व्यवहार होता तो प्रत्येक वैक्यूम ट्यूब जो कि लाइट एमिशन होता से कौन होता ना बहुत गुडाए हिट प्रडक्शन करता जेहतु ये जो रूम टाइम बहुत हिट प्रडक्शन होता से कौन करा पड़ता ना एयर कंडीशन रूम ही कंप्यूटर रखा पड़ता जब एयर कंडीशन रूम न रखा कंप्यूटर टाइम खराब हो जाता जली जाता तापर आसला कंज्यूम्ड लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आम जानते बहुत गुडा वैक्यूम ट्यूब थे जो प्रत्येक वैक्यूम ट्यूब किसी लाइट चलुला ये जो वैक्यूम ट्यूब गुडाक बहुत गुडा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करते तार अर्थ आम अधिक इलेक्ट्रिक बिल आसुला बहुत करेन्ट खर्च होता तापर आउ गोटे कौन होता ना सल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम ये जो कंप्यूटर देखापी सीना एत बड़ था कि ये बहुत स्लो था मैंने जब गोटे प्रॉब्लम दबो से गोटे प्रॉब्लम केवल गोटे थर सल्व कर एकाधिक प्रॉब्लम दौले से कंप्यूटर एकाथर सल्व कर तो ये कौन कर फास्ट जेनेसन कंप्यूटर गोटे प्रॉब्लम को केवल गोटे थर सल्व कर पार्ला जदि तीन चार प्रॉब्लम देवा पड़ता गोटे गोटे क्यूरे देवा पड़ता मैग्नेटिक ड्रम्स वेर यूज एज मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम जोटा कि आगे मुझे देखे पिक्चर टाइम मैग्नेटिक ड्रम बर्तमान खाली मन रख मैग्नेटिक ड्रम मान कौन जो मैग्नेटिक ड्रम टाक कौन कर डाटा को स्टोर करने मैग्नेटिक ड्रम्स यूज एज मेमोरी आजिकल आम जमीन देखते पेन ड्राइव अच्छी मेमोरी कार्ड अच्छी सीडी अच्छी डीवीडी अच्छी ये जो जिनस गुडा से नाला से सब जिन उद्भावन होता से कौन करते ना मैग्नेटिक ड्रम ये फास्ट जेनेसन कंप्यूटर मैग्नेटिक ड्रम गुडा यूज कराला टू स्टोर दि डेटा और इनफर्मेशन
यार एग्जांपल गुड़ा थिला कोनो एनियक कंप्यूटर यूनिभाग कंप्यूटर एडभाग कंप्यूटर एडसा कंप्यूटर आईबीएम 701 आईबीएम 650 ए सब होची एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो ए गुड़ा कहला हमर फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर तो मेन दिन छोडा का अवधर रिकैप करबा एठी वैक्यूम ट्यूब थिला बहुत माने इंपोर्टेंट जिंस जोटा कि हमर सीपीयू कहतला ये केवल मशीन लैंग्वेज यूज करि पथला ये बहुत बड़ो थिला आ बहुत एक्सपेंसिव थिला बहुत स्लो इनपुट डिवाइस लागितला आउटपुट डिवाइस लागितला आउ इठी कोन होतला ना हीट अधिक प्रोडक्शन कर परतला बहुत गुडा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करतला गोटी प्रॉब्लम को गोटी थर रे से सॉल्व कर परतला आउ मैग्नेटिक ड्रम कोन होतला यार मेमोरी फैमिली यूज करा होतला तार एग्जांपल दरा एनियक यूनिभाग एडभाग एडसैक आईबीएम 701 एंड आईबीएम 650 तमे जानिबा बर्तन वैक्यूम ट्यूब माने कोन जोटे के हमर फर्स्ट जनरेशन मेन जिंस देला तो वैक्यूम ट्यूब गुडा देखिया पे भेले थला से गुडा कोन थला ना ग्लास रे तयार हितला या भितरे वैक्यूम थला माने या भितरे किसी एयर नथला ता भितरे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट थला जोटा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करे बे सहाय करतला तो वैक्यूम ट्यूब इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अप ऑफ ग्लास एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से कोन कथन ना इलेक्ट्रिक सिग्नल को से कंट्रोल कर परतला तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करे बे ए भले सर्किट तयार करा होतला देखि पर बैठे एकटे लागि जे इठी वैक्यूम ट्यूब सब लागि कि तळे ताको वायर को वायर कनेक्शन करकि एठी इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल करा होतला तो एत्ते बडो बडो सर्किट ता जेहेतु बडो हे परतला ता सेति पहिले आ सेइ समर कंप्यूटर गुडा को बहुत बडो तो ये हम वैक्यूम ट्यूब कथा गला तापर आसला मुझे जोटा कहती फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन थिला ना से सीडी डीवीडी नथिला तो आमर एठे कौन करथला ना मैग्नेटिक ड्रम माने एठे देखो जे एटा गोटे ड्रम बा गोटे डब्बा भले देखा होची पर राउंड हेकि थिबो एठे जोटा आमर देखा जाउची एटा मैग्नेट रे तयार हेतला जो ब्राउन कलर देखा जाउची एटा होची आमर चुंबक रे तयार हेतला तो एटा जेहेतु चुंबक रे तयार हेतया ड्रम से तिन ताको मैग्नेटिक ड्रम ए जो मैग्नेटिक ड्रम रे कौन कराउथला ना किछ वायर लागी कि ताको डेटा स्टोर करया पे यूज करा होतला तो मैग्नेटिक ड्रम इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन मेनी अर्ली कंप्यूटर्स एज मेन वर्किंग मेमोरी तो यही भलिया कंप्यूटर गुडाक जो पुराना कालिया कंप्यूटर रे आमर यही भलिया मैग्नेटिक ड्रम गुडाक डेटा स्टोर करिया पई यूज करा जाउतला तापर आसला सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 रो आरंभ होला 1963 पर्यंत ए समय रे कोन होला ना कंप्यूटर जेहेतु फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उडा को बहुत बड़ो थिला बहुत स्लो थिला बहुत इलेक्ट्रिक कंजप्शन करथिला बहुत एक्सपेंसिव थिला सेति पई कोन रखला ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उडा को लोक माने साधारण भावे व्यवहार करय पई किणी पर नथले बा रखी पर नथले सेति पई ताको कंप्यूटर रे किछि परिवर्तन करा गला जोटे के हमर थला वैक्यूम ट्यूब जो बड़ो बड़ो कंपोनेंट उडा थला ताको रिप्लेस करा हला ए भलिया इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रे तो ए जो डिवाइस गुडा को हम ट्रांजिस्टर्स तो यूज ट्रांजिस्टर एज ए सीपीयू ए जो छोट छोट जिन छोटा देखो एगुडा को ट्रांजिस्टर हमरो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे कोन थिला ना ट्रांजिस्टर नथिला सेठी कोन थिला वैक्यूम ट्यूब थिला तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करकी आसिला ट्रांजिस्टर तो यूज ट्रांजिस्टर एज सीपीयू ए जो ट्रांजिस्टर गुडा को कनेक्शन करकी सीपीयू तयार करा गला जेहेतु ट्रांजिस्टर गुडा बहुत छोट थिला सेथिमे सडनली कोन होला ना कंप्यूटर रो साइज चेंज हे गला जेमिति गोटे रूम आकार गुडा कंप्यूटर रो चेंज हे के आसी गला टेबल आकार गुडा कंप्यूटर हे गला तो एठी कोन करा गला ना एठी तार सर्किट बोर्ड गुडा अच्छे बहुत गुडा ट्रांजिस्टर को कनेक्शन करोटे सीपीयू तैयार करा हितला तो एटा होची हमर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आम जानते फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टा कौन थिला ना गुडा हॉल परिका बड़ थिला जेहेतु सेठी बहुत गुडा वैक्यूम ट्यूब लागतला तो आमर एठी कोन होला ना स्मॉल हे गला जेहेतु एटा गुटे छोटिया टेबल आकार रा गुडा कंप्यूटर हे गला जनरेटेड लेस हीट जेहेतु आम वैक्यूम ट्यूब नथिला एटी कोन होला ना ट्रांजिस्टर गुडा लागला आउ अन्यन छोट छोट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गुडा लागला तो सेठी कोन होला ना हीट जो बाहर थिला बा गरम जो बाहर थिला कंप्यूटर से मते कमी गला तो जनरेटेड लेस हीट एंड लेस पावर एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर अपेक्षा से कम हीट प्रोडक्शन कला आउ बहुत कम पावर खर्च होला जेहेतु एठी आउ वैक्यूम ट्यूब नथिला फास्टर देन फास्ट जनरेशन कंप्यूटर आमर जो कौन होता ना सी गोटे थर गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पार्ला कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ये कौन कला ना एक गोटे थर करे मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर पार्ला से ये कौन है ना फास्ट थिला फास्ट जनरेशन कंप्यूटर अपेक्षा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर टा स्पीड रे काम कर पार्ला स्टिल वेरी कॉस्टली ये सीना छोट हो गला ताडो देखिया पई किंतु तथापि बहुत दाम थिला जेहेतु सेतेबेले कंप्यूटर पई जो कंपोनेंट तयार होतला सेगुडा बहुत एक्सपेंसिव थिला आ सेतेबेले बहुत कम लोक किणी परथले जेहेतु से बहुत कॉस्टली थिला
सपोर्टेड मेसीन एंड आसेम्ली लांगुएज ये कौन कला ना से दी प्रकार लांगुएज यूज कला गोटे मेसीन लांगुएज यूज कर पार्थला और आसेम्ली लांगुएज यूज करता जो मेसीन लांगुएज कौन आसेम्ली लांगुएज कौन ये तुम क्लास 8 गले पाठ पढ़ी पार मुझे गोटे भिडियो सेयार करूँ से तुम डिफरेन्ट टाइप अफ मेसीन लांगुएज डिफरेन्ट टाइप अफ कंप्यूटर लांगुएज विषय में जानपर तो ये जो सेकंड जेनेसन कंप्यूटर कौन है ना मेसीन लांगुएज भी यूज होता सहित टी एडवांस कौन है ना आसेम्ली लांगुएज सी यूज कर पार्ला तापर एठी कौन हला ना आमर पंच कार्ड यूज हो पाला पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप्स यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट तो कंप्यूटर किसी डेटा देवाई पंच कार्ड भी यूज कराला और मैग्नेटिक टेप यूज कराला तो आम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन थी मैग्नेटिक ड्रम था कि मैग्नेटिक ड्रम साइज बहुत बड़ था तो ये कौन कराला ना मैग्नेटिक टेप को यूज कराला और पंच कार्ड को यूज कराला कि कंप्यूटर को इनफर्मेशन देवाई डेटा कैलकुलेटेड इन सेकंड्स तो सही कौन है ना डेटा डेटा बहुत स्पीड रे किसी सेकंड भितर तुम डाटा गुडा कैलकुलेशन करके आउटपुट दे पार्ला तार एग्जांपल थला आईबीएम 1401 कंप्यूटर आईबीएम 1620 कंप्यूटर आईबीएम 7094 कंप्यूटर आरसीए 501 कंप्यूटर पीडीपी 8 कंप्यूटर सीडीसी 1604 कंप्यूटर एंड सीडीसी 3600 कंप्यूटर एगुडा होचे कंप्यूटर ना गुडा ए सब कंप्यूटर गुडा टेबल साइज रे कंप्यूटर थला ए सब कंप्यूटर रो जो आमे कहले ना गुडा एमन होचंदे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 रो 1963 पर्यंत चलला तापर आमे देखले तथापि कंप्यूटर गुडा एते फास्ट नथिला तथापि कंप्यूटर गुडा बड थिला सेथि साइंटिस्ट माने आउथरे वार माने बहुत कठिन परिश्रम करके ये कंप्यूटर आउरी केमती छोट कर से बहुत गुड़ाए परिश्रम करके किसी नुआ उद्भावन करते कौन कले थर्ड जेनेसन कंप्यूटर गले तो ये जो सेकंड जेनेसन कंप्यूटर कौन होता है ट्रांजिस्टर यूज होता है ट्रांजिस्टर गुड़ाक कौन ए ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज टू एम्प्लीफाई और स्विच इलेक्ट्रोनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिक पावर आम जो कहते वैक्यूम ट्यूब कौन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल इलेक्ट्रिक पावर टाक कंट्रोल कर पार्ला किंतु एठी हमर कोन हला ना ट्रांजिस्टर मध्ये से इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंट्रोल कर पारथला तो ए जो हमर कोन हला ना एठी ट्रांजिस्टर उडा को गोटे पर गोटे ट्रांजिस्टर को ताकू लगे कि हमर कोन करा होतला ना इलेक्ट्रिक सिग्नल उडा एठी गोटे देछि एमदी लगाई कि हमर गोटे सीपीयू तयारी पारथला तो ए जो आकार जेहेतु छोट हो गला सेतु हमर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ता मध्ये छोट हो गला तापर आसा जो कहते मैग्नेटिक टेप तो मैग्नेटिक टेप आम जो देखुन जमीन जो भिडियो कैसेट गुडा पुराणा का भिडियो कैमेरा पड़ा टाइप रो टेप गुडा अच्छी रिल गुडा जो कहते हैं कहते मैग्नेटिक टेप ये जो मैग्नेटिक टेप गुडा कौन कराला ना आम डेटा स्टोर करने डेटा कंप्यूटर को देखें यूज कले मैग्नेटिक टेप आउ गोटे ये देखिपर ये कहते पंच कार्ड मानते पेपर में किसी गोटे नंबर थी आउ किसी होल गुड़ाक थी तो ये जो होल को देखिकी कंप्यूटर जानपरला कौ नंबर टा दिखाई कौ नंबर टा दिखाई तो ये जो कार्ड टा कहते हैं पंच कार्ड तो पंच कार्ड इज ए कार्ड परफोरेटेड अकॉर्डिंग टू ए कोड फॉर्मली यूज्ड टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स तो ये कौन है परफोरेटेड अर्थ हो कणा कराई था तो जो जो जगह मन कर जीरो देवार अच्छे तो ये गोटे जीरो पंच कराला ये टू रे देवार अच्छे तो टू रे तो जीरो टू थ्री मन दिहला तो जीरो टू थ्री एमती जो पंच करके से हिसाब से डेटा दिहला तो जीरो टू थ्री वन थ्री तपर दिहला सपोज सिक्स एमती पंच गुडा नहीं कंप्यूटर से डेटा को बुझी पार्ला तो ये जो कार्ड टा कहुच पंच कार्ड मैग्नेटिक टेप इज ए मीडियम अफ मैग्नेटिक रेकर्डिंग मेड अप ऑफ थिन मैग्नेटाइज कोटिंग और लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म ये कौन कर प्लास्टिक फिल्म रे प्लास्टिक आम जो कहते हैं रिल बोली कहते से रिल उपर कौन होता ना किसी चुंबकीय पदार्थ लगी जोटा कि से जो चुंबकीय पदार्थ से सी किसी रेकर्डिंग कर डेटा को जमीन आम टेप रेकर्डर में म्यूजिक जमी रेकर्ड होता से डेटा को रेकर्ड कर पार्ला तापर आसा थर्ड जेनेसन कंप्यूटर थर्ड जेनेसन कंप्यूटर टा देखापरिका था ये कौन है ना प्रथम थर पर मॉनिटर भी लगी पार और कीबोर्ड लगी पार ये जो आसा थर्ड जेनेसन कंप्यूटर टा ये टेबल साइज टू आउरी छोट गला मानते टेबल टप कंप्यूटर हो जोटा डेस्कटप कंप्यूटर कहते तो ये जो कंप्यूटर टा कौन है सेकंड जेनेसन कंप्यूटर टू आउरी छोट होगा ये जो थर्ड जेनेसन कंप्यूटर के आरंभ ना 1964 रु आरंभ होकर चलने 1970 पर्यंत तो ये जो 1964 रु 1970 भितर जितेक कंप्यूटर आसा कहला थर्ड जेनेसन कंप्यूटर तो थर्ड जेनेसन कंप्यूटर में कौन मेन कंपोनेंट था ये जो कंपोनेंट था कहते इंटीग्रेटेड सर्किट बा आईसी कहला तो आमर जो सेकंड जेनेसन कंप्यूटर कौन थी ना आम रजिस्टर गुडा था तो रजिस्टर गुडा यूज नक
कौन करा सरी ट्रांजिस्टर गुडा यूज करा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर को यूज नगर ये कौन करा ना इंटीग्रेटेड सर्किट व आईसी को यूज करा सीपीयू रे तो बहुत गुडा आईसी को कंबाइन करी जो तैयारी करा से इंटीग्रेटेड सर्किट मध्यम जो या सीपीयू एटा कर द्वारा कौन है कंप्यूटर टा छोट होगा जेहेतु ये छोट होगा तो ये कौन आसला कीबोर्ड भी आसीगला सहित मॉनिटर भी आसीगला कि माउस ना तो केवल आम कीबोर्ड आ मॉनिटर माध्यम ही काम हो पार्ला तो कीबोर्ड आ मॉनिटर काम हवा जो ये कौन है ना मोर रिलायबल हो पार्ला अधिक लोक या व्यवहार करने चाहिए जेहेतु आगर कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट चलाई तो थर्ड जेनेसन कंप्यूटर टा चलाई सहज है तो मोर रिलायबल इन कंपेरिजन प्रिभस टू जेनेसन फर्स्ट जेनेसन कंप्यूटर और सेकंड जेनेसन कंप्यूटर अपेक्षा यही कंप्यूटर को थर्ड जेनेसन कंप्यूटर को चलेबाटा सहज है साधारण लोक चल रखिपारे कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स वेरी यूज्ड या पूर्व जिते कंप्यूटर था तार कीबोर्ड नाला कि मॉनिटर नाला कौन करा ना वायर को देगी तार वायर सर्किट को लेकिन आम डेटा को इनपुट कराला आउटपुट कराला कि कीबोर्ड मध्यम डेटा दे पार्थे आ मॉनिटर मध्यम आम कि तार इनफर्मेशन को देखिपारे तो प्रथम थर पर थर्ड जेनेसन कंप्यूटर में कीबोर्ड आ मॉनिटर व्यवहार कर स्मलर एंड फास्टर जेहेतु ये कौन है ना छोट हो गला टेबल ऊपर रही पार्ला तो ये कौन है ना से जो फास्ट जेनेसन और सेकंड जेनेसन कंप्यूटर अपेक्षा छोटे अधिका स्पीड चली पार्ला तापर यूज्ड स्मॉल मैग्नेटिक टेप्स अमर जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन करा मैग्नेटिक टेप यूज करता कि सी कौन कर बड़ बड़ मैग्नेटिक टेप यूज करता अमर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन करा ना छोट छोट मैग्नेटिक टेप गुडाक यूज कर पार्थले डाटा स्टोर करने जेनेटेड लेस हिट आम जेहेतु ये कंप्यूटर बहुत छोट हो गला ये कौन कला ना बहुत कम हिट जेनेसन कला तथापि या कौन करा ना एयर कंडीशनर आवश्यक पड़ता लेसर मेंटेनेंस जेहेतु ये बहुत गुडा इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट कमीगला से मेंटेनेंस कमीगला मेंटेनेंस माने ये बहुत कम खराब है आगर जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन होता ना अधिक हिट प्रोडक्शन करवा जो सी कौन होता ना कौन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस गुडा कौन हो पोड़ जाता खराब हो जाता कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर गुडा कंपेरेटिवली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन अपेक्षा बहुत कम खराब होता कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी जेहेतु इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कमीगला से कौन है ना इलेक्ट्रिक कम खर्च है सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज आम जो कहते जो लैंग्वेज गुड़ाक ये हूँ हाई लेवल लैंग्वेज कहपर बेसिक कोबोल फोरट्रान ये टाइप लैंग्वेज गुडाक यूज कर थर्ड जेनेरेसन कंप्यूटर जोटा कि तुम क्लास एट्रे शिखल यार एग्जांपल थला कौन आईबीएम 360 एनसीआर 395 कंप्यूटर एप्पल 1 कंप्यूटर हनीवेल 6000 सीरीज रेक कंप्यूटर थला आउ टीडीसी 316 ये जो कंप्यूटर गुडाक रहा ये सब कंप्यूटर उदाहरण है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल तो इंटीग्रेटेड सर्किट रे हमर कोन होतला ना ए जो ए गुडा होची इंटीग्रेटेड सर्किट गुडा था इंटीग्रेटेड सर्किट गुडा को एमती बोर्ड रे लगे कि ताको बहुत गुडा के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कंबाइन करके हमर कोन करै परथला ना गोटे सीपीयू तैयारी करथला तो आईसी बा इंटीग्रेटेड सर्किट जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर्मड ऑन स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टिव मटेरियल एठी कोन करथला ना सेमीकंडक्टर जो मटेरियल थला से सेमीकंडक्टर मटेरियल को नेकी हमर इलेक्ट्रिक सर्किट तैयारी करथला व्हिच परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए लार्जर सर्किट मेड फ्रॉम डिस्क्रीट कंपोनेंट आमर जो थिला वैक्यूम ट्यूब थिला बा आमर ट्रांजिस्टर थिला से जो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब जेमती काम करि परथले बड़ बड़ कंपोनेंट हेकि आमर इंटीग्रेटेड सर्किट गोटे छोटिया जिनस हेकि मधे से परिका काम करि परथला आम जो कहते मैग्नेटिक टेप ये जो मैग्नेटिक टेप आम कौन होता ना सेकंड जेनेरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप यूज हो पार्ला किंतु ये आम थर्ड जेनेरेशन कंप्यूटर कौन करा ना ये मैग्नेटिक टेप रो आग काल जो बड़ बड़ मैग्नेटिक टेप यूज होता है कौन होगा ना छोट मैग्नेटिक टेप यूज हो पार्ला जोटा कि कंप्यूटर में डायरेक्ट आम पुश करके चल पार्ले तापर आसला फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर टा केबडो स्टार्ट हला ना 1971 रो कंप्यूटर यूज करछन्थे ताको कह जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ए जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कोन करा हला ना आगरो हमर जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट गुडा यूज करा हला ताको रिप्लेस करके यूज हला एठे वीएलएसआई तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स गुडा यूज करा हला बा जोटा कि आमे कहि परबा जे एटा हो गुडा माइक्रो प्रोसेसर यूज करा हला तो वीएलएसआई थला यार सीपीयू तो माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज जो माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेटेड चिप गुडा यूज करा हला तार एज ए सीपीयू
ये कौन थिला ना पावरफुल थिला, बहुत पावरफुल थिला, बहुत फास्ट थिला और रिलायबल थिला। माने फास्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर अपेक्षा ये बहुत स्पीड रे काम कर पारथला, सेथि पई या परे बेसी रिलायबल होतले। रिलायबल अर्थ होची या परे हम डिपेंड कर पारथले बा कंप्यूटर टा समस्त व्यवहार करिया पई चाहिले, सेथि पई याको कहला रिलायबल। कंप्यूटर्स बिकम इजिली अवेलेबल एंड चीप, सो यूज एज पर्सनल कंप्यूटर्स। ये जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर गुड़ा कौन है ना इजिली अवेलेबल है, साइज छोटे गला, डेस्कटॉप बोरिका देखाला, कंप्यूटर को आम टेबुल पर रखी पारे, बहुत सस्ता है गला, तो सब लोग किणिक रखा चाहिए बा ये कंप्यूटर को समस्त व्यवहार करहज था, से कौन कर लोक मैंने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को पर्सनाल कंप्यूटर हिसाब से घरे घरे व्यवहार कर पारे। लेस हीट एंड पावर कंजप्शन, ये जो कंप्यूटर गुडा कौन करले ना बहुत कम हीट प्रोडक्शन कले, बहुत कम पावर कंजप्शन कले, से या कौन है ना आउ एयर कंडीशनर आवश्यक पड़ा ना। तथापि 1970 दशक जो नुआ नुआ जो फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर आते कौन होता ना आम एयर कंडीशनर रूम रखुले, कि आजिकल देखिए घर घर कंप्यूटर अच्छी से एयर कंडीशनर ना, कहीं आजिकल जो कंप्यूटर गुडाक बहुत कम हीट प्रोडक्शन करती आउ बहुत कम पावर कंजप्शन करती, से आमको एयर कंडीशनर आवश्यक पड़े ना। आउ देखिबो आजिकल कंप्यूटर रे सब गोटे गोटे छोटे छोटे फैन लगे, फैन लगे द्वारा कौन हो ना सी ऑटोमेटिकली कूलिंग कर था। आमर ये कंप्यूटर कौन है ना माउस कीबोर्ड मॉनिटर स्कैनर प्रिंटर स्पीकर आजिकल जहां जहां कंप्यूटर देखुं ये सब गुडाक फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर लगेगा, जमें देख पाते माउस लगेगा कीबोर्ड लगेगा स्पीकर लगेगा ये सब गुडाक हार्डवेयर आम जो आजिकल व्यवहार कर सब फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर हम आरंभ है। तापर स्टोरेज मध्य बहुत बड़ होगा, स्टोरेज कहीं बड़ होला ना सेठी हमर कोन थला ना मैग्नेटिक टेप की यूज कराला, किंतु एठी कोन होला ना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर फास्ट यूज कराला फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क को यूज कराला, फ्लॉपी डिस्क रे बहुत कम डाटा रहला से आउथरे व्यवहार कराला कोन हार्ड डिस्क व्यवहार कराला। ये जो फ्लॉपी पर हार्ड डिस्क को कौन कराला ना इंटरनल स्टोरेज हिसाब से व्यवहार कराला। तापर आसला हमर सीडी और डीवीडी मेमोरी चिप एगुडा का सब कौन कराला ना एक्सटर्नल डिवाइस बा जोटा कि हमर डेटा गोटे गोटे कंप्यूटर आ गोटे कंप्यूटर नेबा व्यवहार कराला, जोटा हो फ्लॉपी सीडी डीवीडी आ मेमोरी कार्ड बा पेन ड्राइव ए सब जिन छोटा का फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रे व्यवहार कराला। आजिकल आउरी बहुत बहुत बड़ बड़ बा बहुत हाई स्पीड रो स्टोरेज डिवाइस आसीगला जोटा हम सीडी डीवीडी को रिप्लेस करुचे ब्लू रे डिस्क, आमर जो हार्ड डिस्क को रिप्लेस करुचे सॉलिड स्टेट डिस्क, ए सब गुडाक स्टोरेज मध्य बढ़ीगला स्पीड मध्य बढ़ीगला। कनसेप्ट अफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ए समय कौन है ना इंटरनेट मध्य ए कंप्यूटर व्यवहार कराला, जितेबाला थर्ड जेनेसन फास्ट सेकेंड थर्ड जेनेसन कंप्यूटर रे आमर इंटरनेटा भलकना व्यवहार करहिपनतला, आमर एटे फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर बेलू कौन है ना आम इंटरनेट व्यवहार करने सक्षम हो गले। यार एग्जाम्पल थला कौन ना आईबीएम पीसी आपल आपल जतक पर्सनाल कंप्यूटर एम सब फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर थे, एचपी 9000 कंप्यूटर, लिनोवो आसुस एसर सोनी एचपी कंपाक आजिकल बहुत ब्रांड कंप्यूटर देखुं सब गुडा फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर। तापर कौन है आम जो क्रे वन क्रे एक्स एमपी सुपर कंप्यूटर गुडाक जो बाहर ये जो सुपर कंप्यूटर गुडाक जितेक हाई स्पीड कंप्यूटर गुडाक युवा सब फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर थी। तो भीएलएसआई गुडाक देखा कौन है ना ये देखिपर आम मानते हजार हजार ट्रांजिस्टर राम हजार हजार भैक्यूम ट्यूब राम एम गोटे छोटिया चिप्रे या से कहुए भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। तो भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इंटीग्रेटेड सर्किट या बाय कंबाइनिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स इनटू ए सिंगल चिप, मानते हजार हजार ट्रांजिस्टर को मिसेला जी पावरफुल हम से ट्रांजिस्टर को बहुत छोट छोट आकार सजे जो चिप्टा तैयारी कला कहे भीएलएसआई बा माइक्रो प्रोसेसर या कहगला। तापर आसला फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर, एक्चुअली फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर माने कौन फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर आजिकल जो देखुं बहुत कंप्यूटर गुडा छोट छोट हो गले, आम आजिकल जो मोबाइल देखुं मोबाइल गुडाक मतलब गोटे माइक्रो कंप्यूटर यूज होगा एक्चुअली फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर गुडाक युवा फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर कहीं कह ना फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर आगू जो जो कंप्यूटर गुडा आसो से गुडा फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर। तो प्रेजेंट टू फ्यूचर आजिकल दिन जो भविष्य जो कंप्यूटर गुडा आसो से फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर तार किसी फीचर था से फीचर गुडा गोटे गोटे पढ़ा। तो ये मेन हूँ फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर रे मेन कंपोनेंट था जोटा कि फोर्थ जेनेसन कंप्यूटर थी भीएलएसआई आहरी अधिका स्पीड र प्रोसेसर या यूएलएसआई। तो यूएलएसआई हूँ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप गुडा जो
USI microprocessors were used in fifth generation computer. It is called na USI microprocessor. आमे जोटा कोचन दे आजकल हमर i7 processor, i9 processor, i5 processor ये सब जो processor उड़ा का हमरा सोची ये हो जामरो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रोसेसर उड़ा का आजकल कंप्यूटर उड़ा बहुत स्लीम है कला वर्चुअल रियलिटी कैमरा ता छोट छोट मोबाइल फोन तो हाई स्पीड लैपटॉप से सब उड़ा का रोबोट्स रोबोट कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स उड़ा हो जामरो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रो एग्जांपल एठी कौन है पता ना पैरेलल प्रोसेसिंग ये पता ला पैरेलल प्रोसेसिंग रो अर्थ होची अमरो एक्का थरे के एक्का धिक प्रोसेसर मध्य रो थला मन आगो काले कौन होता ना गोटे कंप्यूटर केवल गोटे ही प्रोसेसर रो थला किंतु एबे आजकल कौन होता ना गोटे कंप्यूटर रो मोर देन वन प्रोसेसर रहला मोर देन वन प्रोसेसर रो जो कौन होला ताको आउर अधिक काम दिया पारथला आ से गोटे थरे एकाधिक काम मध्य कर पारथला बाय यूजिंग मोर देन वन प्रोसेसर जोटे एकाधिक प्रोसेसर जोगु एकाधिक सीपीयू थिबा जोगु से कंप्यूटर कौन कर पारथला ना अधिक काम कर पारथला जोटे के ड्यूअल कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर आम जो मोबाइल फोन किणुचे कौन क्वाड कोर ऑक्टा कोर तार अर्थ कौन क्वाड कोर अर्थ हो चारिटा सीपीयू थी से मोबाइल फोन आम कौन ऑक्टा कोर स्नाप ड्रागन ऑक्टा कोर बोली शुणुवा मोबाइल फोन रे तो से जो स्नाप ड्रागन रहा गोटे ब्रांड ऑक्टा कोर अर्थ हो आठटा सीपीयू से कंप्यूटर रे थी ऑक्टा कोर जोटा कौन तार अर्थ से मोबाइल फोन रे गोटे थर आठटा कम प्रोसेस हो पार्थ तो यही सब कम करने कहे पैरेलल प्रोसेसिंग तापरे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने आजिकल कौन हो ना कंप्यूटर को आम मनुष्य परिका आम किसी ज्ञान दे पार्टी से कंप्यूटर कौन कर ना मनुष्य परिका बिहेव कर मनुष्य परिका जो ज्ञान कौशल दिया गोटे प्रोग्राम कराइव से कौन कर ना मनुष्य एक्टिविटी गुडाक मिमिक कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तापर आसला नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैंने आजिकल आम देखु मोबाइल आम कौन कौन ना ताको आम भॉइस रे किसी कहले सी आम किसी काम कर तो यह हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस तार अर्थ आम जो मोबाइल कौन प्ले सम सॉन्ग आम जो कौन अलेक्सा अलेक्सा प्ले मी ए सॉन्ग आम पचार अलेक्सा व्हाट इज द वेदर टुडे आम कौन अलेक्सा प्लीज प्ले ए ओडिया सॉन्ग आम जो अलेक्सा कौन तार अर्थ सी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मध्यम अलेक्सा जो कंप्यूटर टा सी कौन कर नेचुरल लैंग्वेज आम जहां भाषा कौन से भाषा को बुझी जाऊँ ये हूँ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर गुडाक मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स जोटा कि आम कहते यूजर फ्रेंडली कहीं आग काले कौन कर माउस और कीबोर्ड को यूज करके कंप्यूटर चलिया पड़ता कि आजिकल माउस और कीबोर्ड आवश्यक पड़ूनी आजिकल आम जब किसी कहीदे से कथ को सी कौन कर लांगुएज प्रोसेसिंग करके आम मल्टीमीडिया फीचर से किसी कम कर तो यहीटा करवा द्वारा कौन हूँ ना आमको आम करने अति सहज हो गला जोटा कह यूजर फ्रेंडली जिकि जो लोग कंप्यूटर को व्यवहार करते आहरी सौखीन हो गले आजे कम कर तापर आसला अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कंपैक्ट कंप्यूटर एट चीपर रेट्स कौन है ना धीरे धीरे बहुत छोट छोट कंप्यूटर आसला आ बहुत चिप होगा जमी आग काल जो सब मोबाइल गुडाक कंप्यूटर गुडाक आसूला बहुत एक्सपेंसिव था कि आजिकल कौन हो ना बहुत भल भल मोबाइल आ बहुत भल भल कंप्यूटर गुडाक कौन है ना चिप होगा शस्ता होगा से सब लोग व्यवहार करें डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन एटा कोन हला ना एक्सपर्ट सिस्टम रो अर्थ होची हमरो जते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जाउ छी कंप्यूटर को से कोन करूची किथि तथ्य को एकाडी करूची किछि तथ्य को एकाडी कला पर हमकु किछि से ऑटोमेटिकली डिसीजन दोचे ऑटोमेटिकली डिसीजन दबार अर्थ होची सपोज हम कहबा पानी पाग सिस्टम वेदर सिस्टम पानी पाग सिस्टम रे कोन करा होची ना सैटेलाइट रे जो फोटो उठेबो सैटेलाइट रे जो इमेज उठेबो हमरो पृथ्वी रु पृथ्वी जो फोटो उठला से कौन कर ना सीट जो क्लाउड मूवमेंट को लेकिन से बहुत गुडा इमेज को प्रोसेस कर प्रोसेस कला कंप्यूटर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिसीजन दब अलर्ट कर साइक्लोन हो पारे बात्या बन्या सब जिन गुडाक पापागर जो रियल लाइफ सिचुएशन गुडाक नहीं से कौन कर एक्सपर्ट डिसीजन दे था जोटा कि आजिकल आम बन्या बात्या हबार किसी दिन पूर्व जानपारे आग को आसंत सप्ताह बन्या बात्या एगुडाक केवल फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर जो संभव हो पार तार उदाहरण हला हमर विभिन्न प्रकार छोट छोट लैपटॉप डेस्कटॉप अल्ट्राबुक क्रोमबुक ये सब गुडा फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर सहित रोबोट्स और सुपर कंप्यूटर जितेक रोबोट और सुपर कंप्यूटर अच्छा एगुडा कहते फिफ्थ जेनेसन कंप्यूटर तपर आसा व्हाट इज यूएलएसआई यूएलएसआई फुल फॉर्म होची अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन
टेक्नोलॉजी जोटा कि रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स माने 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भितर छोट छोट 10 माने इति गोटे छोटिया चिप भितर हम देखि परथे जो छोटिया चिप भितर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक चिप रहे कि से काम करछि तार अर्थ ये बहुत फास्ट हमर काम करछि तमे ताको बहुत छोटो आ बहुत फास्ट काम करछि तमे ताको अल्ट्रा लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज स्केल अर्थ जो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ को नै कि ये जो हमर प्रोसेसर बा माइक्रो प्रोसेसर तयार हे छि। तापर आसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने कोन आजकल हम देखि दो बहुत जगह रे बा हम टीवी रे बा न्यूज रे देखि परथु बा इंटरनेट रे देखि परथु रोबोट मानकर काम जेमि रोबोट गुडा काम कोन करछन ना होटल रे आजकल रेस्टोरेंट गुडा करे बा घरे ताकु पेट परिका रखुछन जेमि से कोन करछि ना कस्टमर को वेलकम करछि बा घर को गेसल वेलकम करछि ता सहित कथावार्ता होछि ता पे पानी नै दोछि बा तमे खाद्य नै दोछि ए सब गुडा को से केमि करछन बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक लाइक ह्यूमन्स एंड मिमिक देयर एक्शंस। ताको कोन करा जो कंप्यूटर गुडाक तयारी करा जो मनुष्य सेवरे तयारी करला पारे ताको कोन करा जो ना सिमुलेशन करा हो सिमुलेशन अर्थ हो किसी प्रोग्राम दिया हो या भीतर कंप्यूटर भीतर किसी फीडिंग करा हो जी कि मनुष्य परीक्षा किसी एक्टिविटी करि परिबो तार निजस्व बुद्धि नहले मध्ये ताको जहां जति काम करिया पें दिया हेतो ए सब काम गुडाक से मिमिक करिवो मिमिक करिवार अर्थ ताको जति कि सिखाइतो से हिसाब से सिखिबो। किंतु आजिकाली जो रोबोट गुडाक अछि से गुडाक कोन करा हो ना मसिल लर्निंग अर्थ हो से निजे किसी परिवेश सीखी पारे जो तुम हायर क्लास कले पाठ पढ़ो ये हमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आम आज पढ़ले पांचटा जेनेसन कंप्यूटर जो फास्ट जेनेसन कंप्यूटर जो देखा बहुत बड़ा सेट भाक्यूम ट्यूब यूज था छोट है सेकेंड जेनेसन कंप्यूटर जोटा कि टेबुल सैज कंप्यूटर हो पार्ला से टेबुल सैज कंप्यूटर कहीं ना ट्रांजिस्टर यूज है जोटा कि भाक्यूम बड़ बड़ भाक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कला ट्रांजिस्टर से तापरे जो टेबल साइज कंप्यूटर टेबल टॉप कंप्यूटर आसला थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये कहीं छोटो होला छोटो हार मुख्य कारण होची ना हजार हजार ट्रांजिस्टर काम गोटे छोटे इंटीग्रेटेड चिप रे इंटीग्रेटेड सर्किट रे काम हो पार्ला से कंप्यूटर छोटो होला। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आउरी छोटी आउरी स्लिम आउरी सुंदर हो गला कहीं जो हजार हजार इंटीग्रेटेड सर्किट काम आसीगला माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई रे फिट हो गला से कंप्यूटर टाक बहुत स्लिम आ छोटी हो गला किंतु ताठू आउरी छोटो करिया पे हमर कोन आसीला ना क्वांटम बा यूएलएसआई बा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप गुडा जो आसीला सेटा जो कोन हला कंप्यूटर बहुत छोटिया छोटिया हो गला मल्टी प्रोसेसर हो गला हमर सीपीयू टा आउ आजिकल हम जो कंप्यूटर टा यूज करछन सेटा हमर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ये गला हमर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आउ सॉफ्टवेयर आउ तार लैंग्वेज ये सब हिसाब से जो जनरेशन रे भाग कले। तो ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आमर जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आम बुक रे पांचटा जनरेशन देछि। तो तुम जब डिफरेंट बुक पढ़ो केते बुक रे देखो सिक्स्थ जनरेशन देछन्दि तो सेमानकर क्लासिफिकेशन सेने इयर वाइज आउ टिक अधिक करछन्दि। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ऑथर। क्वेश्चंस मेक ए टेबल टू राइट डाउन ऑल द डिफरेंस अमंग द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तुम कौन कर गोटे टेबल कर फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रण कौन सब डिफरेन्स गुडा से टेबल तुम या लिख जमी मेन पार्ट कौटे सीपीयूटा कौन ये सब गुडा भाग भाग कर लिख। तापर आसला वाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बिगर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहीं बड़ था तार से तुम भिडा पुणी पक्ष को देख ला जापर व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रे मेजर कंपोनेंट कौन कौन थिला बा कौन कौन नुआर एड होता है देखा डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कौन फरक था व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने कौन ये सब क्वेश्चन आंसर तुम वीडियो रे पाई परियो फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई एंड यूएलएसआई। सो दिस आर द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस ट्यूटोरियल। योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स आर वैल्यूएबल फॉर अस टू इम्प्रूव द नेक्स्ट एपिसोड। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी एज ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन लर्न द थिंग्स वेरी स्मूथली। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।